हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो मैथ्स का पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड का 2020 का जो पेपर हुआ है 17 तारीख को, अब हम लोग आज जो है उसका सोल्यूशन करेंगे और उसका पेपर का एनालिसिस करेंगे कि पेपर किस तरीके का आया, किस तरीके का हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर था काफ़ी टफ आया था। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का पेपर वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था, और अब देखते हैं कि मैथ्स का पेपर किस तरीके का आया। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आ रखा है मैट्रिसेस से, जिसमें कि दे रखा है कि एक ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो है वो 3 दे रखा है। सो ये एक थ्योरी पॉइंट है कि जब कभी भी आप लोगों के पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी हो और अगर उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑड दे रखा हो तो उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है वो होती है 0। और वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा भी लगाते तो आपको वैसे भी समझ में आता कि ऑर्डर ही तो 3 दे रखा है, अंदर के एलिमेंट तो वैसे भी नहीं दे रखे। तो अगर आप वैसे भी सोचो कि 3, 9 और 27, तो इसका तो वैसे भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। समझ रहे हो बात, मतलब कि 0 आना एक इन जनरल है, एक जस्ट कॉमन सेंस लगाने वाली बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जब कभी भी आप लोगों को एक मैट्रिक्स दी जाएगी और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर उसका ऑर्डर जो है वो ऑड है तो ये बात सोचने वाली नहीं है, उसका हमेशा जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आती है वो आती है 0। थ्योरी पॉइंट है ये, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेक्टर अलजेब्रा से है, यानी कि चैप्टर 10 से है। उसमें दे रखा है हम लोगों की आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, आई जे और के जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं आपस में क्या होते हैं, आई जो होता है वो जे के परपेंडिकुलर होता है और जो जे है वो के परपेंडिकुलर, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जब कभी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट कितना होता है, 0, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आई क्रॉस जे करता तो वो के आता, जे क्रॉस के करता तो वो आई आता, और के क्रॉस आई करता तो वो जे आता। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता है उसका। तो हम कंफर्म अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेयर आई डॉट के दे रखा है और आई डॉट के यानी कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तो इसका मतलब क्या आ जाएगा वहां पर, 0। इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से बोल रखा है कि आप लोगों को एक कार्ड पिक करना है, 52 प्लेइंग कार्ड है आप लोगों के पास। ये चीज दी हुई है कि पिक्ड कार्ड जो है वो क्वीन है। अगर जो पिक्ड कार्ड है यानी कि जो आपने कार्ड पिक किया है वो आपसे बोल रहे हैं कि वो एक क्वीन है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्पेड है। आप लोगों के पास कुल जो वैरायटी होती है कार्ड्स में, आप लोगों को पता होगा कितनी होती है वो, एक तो स्पेड होता है, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड, ठीक है। और सब में 13-13 तरीके के कार्ड्स होते हैं और 13-13 तरीके के कार्ड्स में एक एक क्वीन होती है, ठीक है। और आप लोगों को ये चीज दे दी गई है कि आपने क्वीन निकाल ली है, क्वीन को जो है वो आप निकाल चुके हो, तो किस इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्पेड से हो। भाई क्वीन कितनी है, 4 है, तो इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल केस कितने हुए, ये 4 है, तो इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1। यानी कि अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 1/4, और जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 की है, उसमें हम लोगों को ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है 8। तो हम लोगों से पूछा है, देखो भाई ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हम लोगों को 8 दे रखा है, हम लोगों से पूछा है 3 ए का डिटर्मिनेंट बताओ। इस बार ये बिल्कुल आप लोगों को 4.2 में लास्ट के क्वेश्चन में मिल जाएगा कि अगर आपको कोई भी कॉन्स्टेंट दे रखा है और ए दे रखा है और उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो उसका जो भी ऑर्डर दिया होता है, तो के की पावर में हम ऑर्डर लिख देते हैं, ये क्या होता है, ऑर्डर ए का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। तो के कितना दे रखा है हम लोगों को, 3 दे रखा है, ऑर्डर कितना है इसका, 3 है, और ए का डिटर्मिनेंट कितना है, 8 है, तो हम लोगों को ये कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 27 इंटू में 8 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 216, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम लोगों को इंटीग्रेशन से दे रखा है। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोगों को, हम लोगों से बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्या है, क्या यहाँ पर सिर्फ आपको इसको टी मान लेना है, यानी कि एक्स क्यूब को आप लोगों को टी मान लेना है और यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देना है, तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 1/3 अपॉन में आ जाएगा, और ये सब्सटीट्यूट हो जाएंगे तो आपको ई की पावर टी इस तरीके का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, यानी कि 1/3 ई की पावर एक्स का क्यूब प्लस सी, दिस इज योर आंसर, यानी कि हम लोगों के पास जो पहला ऑप्शन है यानी कि ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन से आ रखा है, यहाँ पर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन दे रखा है, यानी कि हम लोगों से बोल रखा है वाई इज इक्वल टू में लॉग बेस ई, नहीं भी लगाते तो भी नेचुरल लॉग जो अपॉन में आता है वो बेस ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में ई का स्क्वायर दे रखा है, भाई ई का स्क्वायर दे रखा है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। तो अब आप क्या करोगे, e के स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो कांस्टेंट की तरह, सिर्फ एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो जब हम लॉग समथिंग लिखा होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है कैसे करते हैं, 1/ में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिखूंगा और इसके अपॉन में ई स्क्वायर आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x अपॉन में ई का स्क्वायर आ गया,
इससे ये चीज कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन में x आ गया। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आप लोगों को 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है, तो दूसरी बार जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 अपॉन में x का स्क्वायर, यही तो होगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर -1, पावर आ गया, पावर में से एक कम, -1 में एक का और कम करोगे तो कितना आ जाएगा -2, उसे नीचे लेकर के आओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर व्हिच इज डी। ओके चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, आप लोगों से बोला गया कि एक डाई है जिसको थ्रो करना है एक बार, और लेट ए बी द इवेंट जिसमें कि नंबर जो आप लोगों को मिलेंगे वो मिलेंगे 3 से बड़े। मतलब अब आप यहां पर समझिए, जो ए है वो क्या है, वो बोल रहे हैं 3 से बड़े नंबर, यानी कि 4, 5 और 6, और उसके बाद वो आपसे बोल रहे हैं कि बी बी द इवेंट दैट नंबर ऑब्टेंड इज लेस देन 5। और लेस देन 5 का मतलब क्या होता है, लेस देन 5 का मतलब होता है 1, 2, 3, 4। अब आपसे वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ पी ए यूनियन बी की, आपको बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ पी ए यूनियन बी की। अगर आप लोगों से कभी भी ये बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ए यूनियन बी की, तो इसका मतलब क्या है सोचो पहले। ए यूनियन बी यानी कि या तो ए भी हो जाए और बी भी हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए चलेगा, वो यही तो बोलना चाह रहे हैं। अगर दोनों में से कोई भी हो जाए, यानी कि चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, डाई को एक बार फेंका, कॉमन सेंस लगाओ, डाई फेंका, अब वो बोल रहा है या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, अबे तो हो गई ना, डाई फेंका कुछ ना कुछ तो आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वो यही तो बोल रहे हैं, तो यानी कि 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, मतलब कुछ भी आ जाए, तो ये तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई ना पूरी की पूरी, ये तो श्योर इवेंट हो गया ना कि कुछ ना कुछ तो पक्का ही आएगा। और नहीं तो अगर फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से निकाल लो। कैसे निकालना है फॉर्मूले से, हमसे बोल रहा है पी ए यूनियन बी, तो वो कैसे होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आप लोगों को कॉमन सेंस से बता दिया 1 कैसे आएगा, अब अगर आप लोगों को फॉर्मूले से निकालना है निकाल सकते हो, पी ए, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, ये 3 है तो 3/6 हो जाएगा, 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी प्लस में 4/6, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है इंटरसेक्शन में, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वो होती है 1/6, ठीक है। और माइनस का है तो अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है 6, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6/6, देख लो फॉर्मूले से भी 1 आ रहा है और कॉमन सेंस लगा करके भी 1 आ रहा है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से बोल रखा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। अगर एबीसीडी एक रोम्बस है, अगर आप लोग यहां पर देखें, एबीसीडी एक रोम्बस बना दिया मैंने यहां पर, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और आप लोगों से बोल रहे हैं कि इनका जो मीटिंग पॉइंट है, यानी कि जो जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, वो यहां पर ई दे रखा है, तो आपसे बोल रहे हैं कि आप ये बताओ ई ए, ई बी, ई सी और ई डी, इन सबका जब आप सम करोगे तो क्या होगा। जब कभी भी किसी भी रोम्बस में आप लोग इंटरसेक्शन पॉइंट पर आते हो, तो जो रोम्बस को है ना, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ई ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा भाई, इस बिल्कुल बराबर होगा, देखो अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है इस पूरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ई ए को मैं बोल सकता हूं कि ये ई सी भी होगा भाई, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन इसकी यहां है और इसकी यहां है, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को अगर सेम करूंगा तो कितना आ जाएगा 0। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, यानी कि ई ए इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ई सी हो जाएगा, यानी कि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना, इसको अगर इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। सेम इसी तरीके से अगर मैं बोलूं ई डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बी, और इसको अगर इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, ई डी प्लस ई बी, और इसी तरीके से इसका सम कितना आ जाएगा 0। तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है ई ए प्लस ई सी प्लस ई बी प्लस ई डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। दिस ऑल खत्म हो गया यहां पर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कितना आ जाएगा आंसर 0। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोल रखा है डिस्टेंस निकालना है एक प्लेन से, प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, जिसको जो किसी भी पॉइंट पर जाना है, उस पॉइंट को क्या करो एक्स वाई जेड की जगह पे रख दो, ठीक है। पहले तो पूरे को इधर ले आओ, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो अपॉन में यहां पर लिख दो जो भी एक्स वाई जेड के साथ लिखा है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि 2 - 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अल्टीमेटली ये कितना हो गया 49, तो अंडर रूट में 49 कितना होता है हमारे पास 7। और यहां पर अगर हम देखें तो हम लोगों से बोला गया माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 6y, ओके, माइनस का 3z, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड की जगह 0 लिखना है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है हमसे कि 0, 0, 0 से डिस्टेंस बताओ। तो कितना हो जाएगा ये चीज कंप्लीटली 0, बचा कितना -7, और मॉड की वजह से क्या हो जाएगा +7, तो 7/7 कितना आ गया 1, यानी कि ए इज योर करेक्ट आंसर। अब अगर आगे की तरफ बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो हम लोगों को पता चलता है कि जो नेक्स्ट दे रखा है द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी।
द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, हम लोगों से बोला गया कि कुछ भी इस तरीके का ग्राफ बन गया, अब 2x plus 3y is greater than 6 दे रखा है। तो अगर मैं 3 को अगर मैं यहां पर देखूं तो लाइन अगर इस तरीके से कुछ बन गई, मान लो इस तरीके से कुछ लाइन बन गई, तो क्या इसमें ओरिजिन आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखो 2x, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर 2x plus 3y, अगर मैं 0 0 रख दूं तो ये भी 0 ये भी 0, which is never greater than 6, कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ओरिजिन नहीं आएगा, यानी कि ओरिजिन से दूर की तरफ जाएगा ये, यानी कि ओरिजिन यहां पर है इसकी तरफ आएगा नहीं, तो ये बात क्लियर हो गई कि ओरिजिन नहीं आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे उड़ गया इसका मतलब। और दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, द हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन द ओरिजिन, ठीक है ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा है, और वो बोल रहा है कि ना ही ऐसा कोई पॉइंट कंटेन कर रहा है जिस पर ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है 2x plus 3y is equal to 6, क्योंकि उसने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया है, इसलिए इस वाली लाइन पर तो पॉइंट आएगा ही नहीं, पॉइंट तो वो वाले आएंगे जो इधर की तरफ है। देखो आंसर क्या है, आंसर ये भी नहीं है, इधर वाली साइड वाला भी आंसर नहीं है, ये लाइन भी आंसर नहीं है, आंसर क्या है, आंसर है ये चीज, क्यों? अगर यहां पर वो बोल रहा है ग्रेटर, अगर वो इक्वालिटी लगा देता तो ये वाली लाइन भी इंक्लूड हो जाती, बट वो बोल रहा है ओनली ग्रेटर, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला आंसर है, इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे आंसर ना ही इस लाइन पर है और ना ही ओरिजिन आ रहा है, सिर्फ उस तरफ है, इस वजह से जो बी है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। सो आई होप आप लोगों को शुरू के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, अब सेक्शन ए में ही हमारे पास एक नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है, वो हम लोगों को दे रखा है कि अगर आप लोगों के पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखे हैं और ऑर्डर जो है वो 3 दे रखा है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ए का डिटर्मिनेंट 5 दे रखा है और बी का डिटर्मिनेंट 3 दे रखा है, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है ए इंटू बी, अब आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो बोला जा रहा है 3 ए इंटू बी, तो ए इंटू बी और 3 जो है उसका आप क्या करेंगे, उसको पावर लगा देंगे 3, क्यों, क्योंकि ऑर्डर जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, बिल्कुल सिंपल रहेगा, जैसे कि अगर के इंटू में ए का डिटर्मिनेंट होता तो के की पावर में ऑर्डर लगा देते, तो ए का डिटर्मिनेंट लिखते हैं सिंपल उसी तरीके से लिखेंगे, ए और बी को अलग अलग करके लिख देंगे, यानी कि 3 की पावर 3 ए का डिटर्मिनेंट इंटू में बी का डिटर्मिनेंट, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 405, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लीस्ट वैल्यू निकालनी हो चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो दिए हुए फंक्शन की, तो आप लोगों को करना क्या होता है, डिफरेंशिएट कर दो दिए हुए फंक्शन को जब वो सिंगल वेरिएबल में हो, और ये सिंगल वेरिएबल में दे रखा है ए एक्स प्लस बी बाय एक्स, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आप लोगों के पास आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो जब आप उसे इक्वेलेट करेंगे तो वहां से आ जाएगा आप लोगों के पास अंडर रूट में बी बाय ए, ओके। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से बोल रखा है कि एक लाइन की इक्वेशन बताओ वेक्टर फॉर्म में जो कि पास हो रही 3, 4, -7 से और 1, -1 और 6 से, इसे पास हो रही है, तो आप लोगों को करना क्या है, पासिंग पॉइंट मान लो 1, -1, 6 है, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू में आई माइनस जे प्लस 6k, ठीक है, प्लस लैम्डा, अब लैम्डा के बाद जो लिखना है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, तो अगर आपने 1, -1 और 6 को पहला पॉइंट माना है तो 3, 4, -7 को दूसरा पॉइंट मान लो, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा के बाद आ जाएगा 3, -1 यानी कि 2i, 4, -1 यानी कि 5j, -7, -6 यानी कि माइनस का 13k, दिस इज ऑल योर आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से बोल रखा है कि दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस क्या होती है, जो सेम प्लेन पर ना हो, ठीक है, और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जब कभी भी किसी भी लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है तो वो जो लाइन उन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेकर के आ रही है वो उन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर, अदरवाइज आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल ही नहीं सकते कभी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, टू स्क्यू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, ओके। द नेक्स्ट है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डीवाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू में क्यू, अब पी क्या है यहां पर, अगर मैं एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा डीवाई ओवर डी एक्स प्लस में 2y अपॉन में एक्स इज इक्वल टू में एक्स, ठीक है, तो 2x जो है वो आपका हो गया p, अगर आप e की पावर में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में x तो 2 को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, तो 2 आगे लिखा हुआ तो पावर में चला जाएगा 2, ठीक है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो e से log कैंसिल, यानी कि x स्क्वायर इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट इसी के साथ जो ऑप्शन में दे रखा है वो दे रखा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x, तो जो डिग्री होती है वो क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर, और हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डीवाई ओवर डीएक्स, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव ही है, तो उसकी जो पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी 2, ओके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है अ रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव
क्यों रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आगे वाला जो है जो दे रखा है वो है इफ ईच एलिमेंट, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से ही अगर कनेक्ट हो रहा है तो, यानी कि अगर 1 2 3 दे रखा है एक सेट में तो 1 1 2 2 3 3 दे रखा है, तो अगर जब सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हो तो ये बात की तो श्योरिटी है कि वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने शुरू के जो 10 क्वेश्चन थे और उसके बाद जो अलग सेक्शन आया था यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक सेक्शन आया था वो भी हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सेक्शन ए में ही एक तीसरा वाला टाइप और आया है जिसमें हम लोगों यहां पर सब्जेक्टिवली शॉर्ट आंसर देने, यानी कि सिंपल वन मार्क वाले आंसर देने। यहां पर हम लोगों को दे रखा है कि कोफैक्टर्स बताने, हम लोगों को एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 - 2 - 4 - 3, ठीक है, और हम लोगों को इसके कोफैक्टर बताने, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सामने वाला 3, -2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑड पोजीशन है, वैसे तो 4 होता, अगर मैं माइनर निकालता तो 4 होता, बट क्योंकि कोफैक्टर निकाल रहा हूं तो ऑड पोजीशन की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा माइनस का 4। और अगर मैं C21 की बात करूं, यानी कि 4 वाला जो 4 दे रखा है उसका अगर कोफैक्टर निकालूं तो वो हो जाएगा माइनस का 2, बट क्योंकि ये ऑड पोजीशन है इस वजह से ये -2 हो जाएगा प्लस का 2। और उसी के बाद अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का अगर मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो वो हो जाएगा सिंपली 1, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है जिसका सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, सिंपल। यानी कि जो कोफैक्टर्स हो जाएंगे आप लोगों के पास हो जाएंगे वो है 3 -4 2 और 1, ठीक है, सिंपल। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17th क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है एक्स इंटू में मॉड ऑफ एक्स और पूछ रहे हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो एक्स पर। तो अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो आप सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे LHD और RHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, FX प्लस, अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं और राइट हैंड की बात करूं सिर्फ एक डिफरेंस है माइनस के साइन का, ठीक है। अगर RHD पर खड़े हैं तो आप यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, यानी प्लस आएगा, कॉमन सेंस है ये, कॉमन, राइट में बढ़ रहे हो आगे जा रहे हो ना, और लेफ्ट में आ रहे हो तो माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड वाला बोलोगे तो एक्स माइनस एफ में एक्स माइनस एच और माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस का एच, और इधर की तरफ रखोगे एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में रखोगे एच, और जब इसे इक्वेट करके जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा डिफरेंशियबिलिटी यहां पर एग्जिस्ट करती है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -17π/8, -17π/8 और -17π/8 क्या होता है, साइन माइनस थीटा, थोड़ी देर के लिए साइन जो नेगेटिव साइन है उससे थोड़ी सी राहत पाओ तो उसको बाहर निकाल लो, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन 17π/2 है। अब 17π/2 का मतलब क्या है कि 2π + π/2, यानी कि अगर आप यहां से घूमे तो पाई इधर आ गया 2π, अब इसमें पाई बाय 8 और जोड़ना है तो पाई बाय 8 और जोड़ोगे तो यहां पर आ जाएगा, जैसे पाई बाय 8 और जोड़ो तो यानी कि आप पहले वाले क्वाड्रेंट में आ गए, तो पहले वाले क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव रहता है, ठीक है, बट एक कहानी यहां पर है कि जब ये पाई बाय 8 है तो आपके पास अंदर क्या बचा, अगर आप इसको साइन 17π/8 लिखते हैं तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं 2π + π/8, उससे आ जाएगा आपके पास साइन पाई बाय 8। लेकिन एक यहां पर बात है, बाहर माइनस अभी भी लिखा हुआ है, उस माइनस को आप अंदर लेकर के जब दोबारा जाएंगे तो जैसे माइनस साइन, जैसे साइन माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरीके से माइनस साइन थीटा भी साइन माइनस थीटा होगा, तो माइनस का साइन अंदर गया तो साइन माइनस पाई बाय 8 हो गया, बाहर वाला साइन इनवर्स इस वाले साइन को उड़ाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का पाई बाय 8। दिस इज ऑल योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं कि हमें मॉड में एक्स माइनस 5 दे रखा है और बोल रखा है कि इसका इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 तक करो, यानी कि लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट जो है वो 4 है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इसको सिंपल करना है, इसका फैक्टर आ जाएगा 5, क्योंकि एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 5 से आगे की तरफ तो ये, यानी कि 6 7 की तरफ तो ये एक्स माइनस 5 नॉर्मल लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इधर की तरफ आते हो तो यहाँ पर इसको माइनस का इन ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 5 लिखना पड़ेगा, और आपको इसको माइनस ही लेना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करना है, तो पूरा का यानी कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है आपके पास, वो है माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, तो माइनस को बाहर रख दो, एक्स माइनस 5 को इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, प्रॉपरली सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 15/2, ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15/2, सिंपल, दोबारा से सुन लो, 1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करना है, पर 5 यहां दे रखा है और 5 के इधर की तरफ पॉजिटिव रहते हैं तो एक्स माइनस 5 रहेगा, और वहीं अगर आप बात करें इससे पहले की तरफ तो यहां पर ये नेगेटिव रहेगा, मतलब इसको पूरे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस 5, बस उसको आप नए तरीके से सॉल्व कर देना, मॉड हटा करके ही इंटीग्रेट हो सकता है, इसलिए पहले मॉड हटाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, हम लोगों को बोल रखा है fx = x की पावर 4 - 10 देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2.1, अब 2.1 दे रखा है तो 2 अलग कर लो, 0.1 को अलग कर लो, 2 क्या हो जाएगा आपके लिए x हो जाएगा, 0.1 आपके लिए क्या हो जाएगा डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है, y आपको पता है आपका x square x की पावर 4 -
10 दे रखा है, वाई आपका ही होगा, लेकिन आपके पास डेल्टा वाई नहीं है। डेल्टा वाई कैसे निकलता है? डेल्टा वाई निकलता है डीवाई ओवर डीएक्स इनटू में डेल्टा एक्स। डीवाई ओवर डीएक्स कैसे निकलेगा? इसे डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा? 4x की पावर 3, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा आपका डीवाई ओवर डीएक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.1। अब x, x का जो क्यूब बच रहा है आपके पास उसमें क्या लिखोगे आप? x की वैल्यू, x कितना था? 2 था, तो 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 इंटू 4 करोगे तो 32 आ जाएगा, 32 इंटू 0.1 करोगे तो 3.2 आ जाएगा। 3.2 यानी ये हो गया आपके पास डेल्टा वाई। वाई कितना हो जाएगा? डायरेक्टली जाकर के 2 रख दो तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 माइनस 10 कितना होता है? 6। तो 6 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा? 9.2। दिस इज ऑल योर आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर 3x। अब आप क्या करोगे यहाँ पर? 2 लिखे रहने दो, साइन स्क्वायर 3x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे, यानी कि 2 आगे, पावर आगे, पावर में से 1 कम, तो साइन 3x लिखा रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस 3x आएगा और 3x का हो जाएगा 3। तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में साइन 3x इंटू में कॉस 3x। तो 2 साइन 3x इंटू में कॉस 3x कितना हो जाएगा आपके पास? साइन 6x हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से समझे तो जो एंगल होता है वो डबल हो जाता है, डबल। साइन 2x क्या होता है? साइन 2x क्या होता है आपके पास? साइन 2x इज इक्वल टू में साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू में कॉस x। तो 2 साइन 3x और कॉस 3x लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये बन जाएगा आपके पास साइन 6x, ठीक है। अब अगर वहीं पर आप लोग, और बाहर कितना रह गया? बाहर रह गया आपके पास 3 इंटू 2, तो साइन 6x और बाहर कितना रह गया? 6। तो अल्टीमेटली x की जगह पे आप कितना रखेंगे? पाई बाय 6। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन पाई भाई 6 इंटू में एक्स लिखा है, तो एक्स की जगह पे पाई बाय 6 लिखते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचा पाई। साइन पाई कितना होता है? 0। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया आप लोगों के पास? 0। सिंपल। तो अब हम लोगों ने 20 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, यानी कि पूरा का पूरा सेक्शन ए जो है कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सेक्शन बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी की तरफ जब हम चलते हैं तो सेक्शन बी में हम लोगों को क्या दे रखा है? पहले ही क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस 3 दे रखा है। तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है। आप एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए अपॉन में एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस 3। सिंपल, ठीक है। और वहां से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22। इसमें हम लोगों को बोल रखा है इनवर्स निकालो। एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। तो आप क्या करेंगे? इसको इज इक्वल टू में वाई रखेंगे और पूरी की पूरी जो वैल्यू एक्स की है इन टर्म्स ऑफ वाई लेकर के आएंगे, यानी कि सब कुछ एक तरफ फेंक देंगे, सिर्फ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, राइट में जो कुछ भी बच रहा है इन टर्म्स ऑफ वाई वही आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स। दिस ऑल योर आंसर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी में जो चॉइस में दे रखा है, आप लोगों से बोला गया कि चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए इज लेस देन बी। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? मतलब आपको ये बताना है कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। आप एक बात अगर मेरी ध्यान से समझे तो आप ये समझिए, अगर ए जो है इज लेस देन बी है, अगर ए बी से छोटा हो गया, और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है तो जरा देखिए यहां पर। अगर मैंने बोल दिया कि उन्होंने बोला है ए इज लेस देन बी, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए जो है वो बी से छोटा है, और आपसे बोला जाता है कि अगर ए बी जो है वो कनेक्ट कर रहा है रिलेशन से, तो ये जरूरी है कि बी ए भी करे। ये किसका लॉजिक होता है? ये होता है सिमेट्रिक का लॉजिक होता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ए इज लेस देन बी है, तो मैं आप लोगों से ये भी बोल रहा हूं कि ये भी होना चाहिए, बी इज लेस देन ए। भाई अब एक बात बताओ, दो अगर तीन से छोटा है तो तीन भी दो से छोटा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है? तो कॉमन सेंस क्या कहती है? नहीं हो सकता है। तो अगर कॉमन सेंस कह रही नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है कि अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है, बी सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है, तो जरूरी है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? वो बोलना चाह रहे हैं कि ए इज, अगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए इज लेस देन बी। इसका मतलब क्या है? बी इज लेस देन सी। तो अब क्या ये हो सकता है कि ए इज लेस देन सी? भाई अब एक बात बताओ, ए जो है वो बी से छोटा है, बी से छोटा है, और बी जो है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए तो इससे भी छोटा हो गया और इससे भी छोटा हो गया, नहीं हो गया भाई? दो जो है वो तीन से भी छोटा है, ठीक है, और तीन जो है वो चार से छोटा है, तो दो तो जो दो है वो तीन और चार दोनों से छोटा हो गया ना। तो अल्टीमेटली क्या बोल सकते हो? जो ए है वो सी से भी छोटा है। सिंपल हो गया यहाँ पे सॉल्व, यानी कि ये जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि पी ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और हम लोगों से पूछा है इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। पी ए यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन बोला है, इंटरसेक्शन इस तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब कभी भी आप लोगों के पास ये चीज लिखी हो तो आप इसको ये चीज लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसको छोड़ करके बाकी सारा, मतलब यूनियन को छोड़ करके बाकी सारा। तो यूनियन निकाल लो ना, यूनियन निकाल लो और वन में से माइनस कर देना। अच्छा यूनियन कैसे निकाले, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बोलोगे सर क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये तो दे नहीं रखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो इक्वल होता है पी ए इंटू में पी बी के। तो इसका मतलब यहां पर आप लोग लिखेंगे जीरो, एक इसकी जगह पे लिखेंगे 0.3, इसकी जगह पे लिखेंगे 0.6, और इसकी जगह पे लिखेंगे 0.3 इंटू में 0.6, और जो कुछ भी आ रहा होगा उस पूरे को कर देंगे वन में से माइनस, और यही आपका क्या मिल जाएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आप लोगों से सिंपली क्या बोला गया, आप लोगों से बोला गया एक से दो, ठीक है, और यहां से वन अपॉन में एक्स माइनस वन अपॉन में टू एक्स स्क्वायर और ई की पावर में टू एक्स डी एक्स। मुझे पता है कि सारे बच्चों का दिमाग उस वाले फॉर्मूले पे गया होगा जहां पर हम लोग लिखते हैं ई की पावर एक्स, अंदर एफ एक्स दे रखा होता है, प्लस में उसका एफ डैश एक्स दे रखा हो, तो फिर अगर ऐसे का इंटीग्रेशन करते हैं तो ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स आता है, सबका दिमाग वहां गया होगा, लेकिन अल्टीमेटली वैसा दिख नहीं रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें इसे तो वैसा पता कुछ भी नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ आने वाला है। तो ध्यान से समझो, वो वहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो e की पावर x भी तो लिखा होता है भाई साहब, होता है ना लिखा, तो यहां पर कहां लिखा है, यहां पर तो e की पावर 2x लिखा है, ध्यान से देखो इसे, तो e की पावर 2x लिखा है। तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, करोगे क्या, सिंपल एक काम करो, लिमिट चेंज कर दो, वेरिएबल चेंज कर दो, क्या करो आप 2x को t मान लो, ठीक है, जैसे 2x को t मानोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे नया क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ पर ये कब था, जब ये एक से दो तक जा रहे थे x में, ठीक है, अगर मैं t इज इक्वल टू 2x बोल दिया तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन चेंज हो चुका है पूरा, 2 से लेकर के कहाँ तक जाने वाला है, 4 तक जाने वाला है। x की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, t बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 2 बाय t, ठीक है। अच्छा माइनस 1 अपॉन में कितना दे रखा है, 2x है, 2x ये एक्चुअल में भाई देखो यार 2x स्क्वायर लिखा था, कितना होता है 2x इनटू में x होता है ना, तो 2x को क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, और x को क्या लिख सकते हो, t बाय 2 लिख सकते हो, तो नीचे एक और t आ जाएगा और 2 पर चला जाएगा, तो यहां पर t का स्क्वायर हो गया, और बाहर कितना लिखा हुआ है, e की पावर में t, तो यहां कितना आ जाएगा dt, dt कैसे आएगा, यहां पर 1 अपॉन में 2 बाहर लिखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बन गया, अब अगर आप लोगों के पास यहां पर यह चीज दे रखी है तो 2 बाय t का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, अब बन गया आंसर। अब क्या करोगे, अब सिंपल आंसर आ जाएगा e की पावर t इंटू में दिस, बात खत्म हो गई। अब जो आप ढूंढ रहे थे, जो इसकी तलाश कर रहे थे, ये बन चुका है, अब ये एफ एक्स दे रखा है, देखो ये एफ एक्स दे रखा है और ये इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, बस इतना था, एक स्टेप थोड़ा सा आगे सोचना, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि हम लोगों को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है और पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करोगे, यानी कि जो एक्स दे रखा है आप लोगों को, एक्स दे रखा है आप लोगों को कॉस थीटा, और वाई आप लोगों को दे रखा है कितना, डी साइन थीटा, और ये कितना दे रखा है, ए कॉस थीटा। तो सिंपल काम करोगे, डी एक्स अपॉन में डी थीटा, डी वाई अपॉन में डी थीटा, ये दोनों फाइंड करके डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लोगे, फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करोगे और वहां पर आप लोगों को मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक बार डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा मिलेगा आप लोगों को। तो वहां से पहले वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर देना और वहां से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। बहुत ईजी है, साइन स्क्वायर को मान लो ई और ई की पावर कॉस एक्स को मान लो वी, तो u को अलग सॉल्व कर दो, v को अलग सॉल्व कर दो, फिर u के अपॉन में v को लिख दो, बात खत्म, आंसर आ गया, उसके रिस्पेक्ट में बन गया ना फिर वो, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से दे रखा है, हम लोगों से बोला है 0 से लेकर के 1 तक जा रहे हैं और tan इनवर्स 1-2x अपॉन में 1+x माइनस का x स्क्वायर दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाले को अगर t मान रहे तो ऊपर वाला आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, तो नीचे वाले को t मान रहे तो अगर ऊपर वाला आ रहा है तो अल्टीमेटली आप इसे सॉल्व अब कर सकते हो, बस यहां पर जब टी माना है तो लिमिट्स को चेंज कर लेना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हम लोगों को दे रखा है सेक्शन सी यानी कि 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स 5 बाय एक्स और प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स 12 बाय एक्स इज इक्वल टू में पाई बाय 2। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद रख लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सबको टेन इनवर्स में चेंज कर दो। सिंपल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। परपेंडिकुलर पॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर पॉन में हाइपोटेन्यूस दे रखा है आपको, यहाँ पर सिर्फ बेस को कैलकुलेट करना होगा और वहां पर फिर सिंपल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देना, वो कितना होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इनटू में वाई होता है। ठीक है, अगर साइन, अगर मैं बोल रहा हूँ साइन इनवर्स का अगर फॉर्मूला याद है तो वो लगा देना, अगर नहीं है याद तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके ही इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब आगे की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी दे रखी है, होमोजेनियस दे रखी है। आप लोगों को करना क्या है, ये अब और वो भी कौन सी वाली दे रखी है, एक्स बाय वाई वाली दे रखी है। अगर आप लोग ध्यान से समझ पा रहे हो उसको, ये बिल्कुल भी 9.4 नहीं है, 9.6 नहीं, 9.5 है, जिसमें होमोजीनियस होता है। आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को यहीं से दिख रहा है कि dx by x by y वाली कंडीशन है, तो x by y वाली कंडीशन है तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पर लेकर के आ जाओ dx by dy। तो लेफ्ट साइड पर अगर आप लेकर के आ गए dx by dy तो ये पूरी की पूरी, तो x is equal to में vy मान लोगे, x is equal to में कितना मानोगे, vy मान लोगे, और फिर वहां से dx over dy की वैल्यू निकाल करके फिर इसको सॉल्व करोगे, तब वहां पर जाकर के इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्यों, अब देखो भाई, अगर x is equal to में vy मानोगे तभी तो x by y को तुम क्या लिख पाओगे, v लिख पाओगे, तभी तो लिख पाओगे। तो अल्टीमेटली यहां पर क्वेश्चन जो बनने वाला है आप लोगों के पास, क्वेश्चन क्या बनने वाला है आप लोगों के पास, x into में e की पावर x by y प्लस में y स्क्वायर अपॉन में y इंटू में e की पावर x बाय वाई, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब आप जब इसे पर्टिकुलरली डिवाइड में लेकर के जाओगे तो x बाय वाई जहां कहीं पर भी लिखा होगा आप क्या करेंगे, वहां पर आप लोग लिखेंगे v को। ठीक है, और तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास x और v में, और आखिर में जाकर के आपको सब्सिट्यूट करना है। ठीक है, सोल्यूशन करने का ये तरीका है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से बोला है कि y इज इक्वल टू में log x की पावर, log x की पावर x दे रखा है, प्लस में x की पावर log x दे रखा है। यार एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और अभी तक जितना भी किया है इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो इसका मतलब आप लोगों ने एनसीईआरटी शायद ज्यादा ढंग से नहीं किए। क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन देखो तो वो एनसीईआरटी से आए हुए हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखो तो वो भी एनसीईआरटी से आए हुए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज से आए हुए हैं। पेपर अभी तक तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं सॉल्व करने की, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, log x की पावर x जो दे रखा है हम लोगों को उसको u मान लो, और x की पावर log x जो दे रखा है उसको v मान लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। एक जगह से आ जाएगा du by dx, एक जगह से आ जाएगा dv by dx, दोनों को प्लस करके लिख देना, सिंपल आंसर आ गया, अलग अलग सॉल्व करना। ठीक है, और लॉगरिथमिक है तो लॉग लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या दे रखी है, वेरिएबल, रीजन है लॉग लगाने का। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़े तो हम लोगों को बोल रखा है कि 3 रॉटन एप्पल्स आर मिक्स्ड विद 7 फ्रेश एप्पल्स, मतलब 3 बेकार से जो एप्पल है वो 7 सही वाले एप्पल्स के साथ मैंने मिक्स कर दिए, मान लो डब्बा रखा था सबको मैंने मिक्स कर दिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जहां पर एक्स रैंडम वेरिएबल, जो हम वेरिएबल मानते हैं एक्स को, तो वो बोल रहे हैं एक्स क्या माना, एक्स को मानो, अब वो एक्स क्या है, वो एक्स है नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स। वो बोल रहे हैं आपसे कि आप ना 3 एप्पल्स निकाल रहे हो विद 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, 3 एप्पल निकाल रहे हो 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, तो मीन क्या होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा खेल जो है वो है एक्स की वैल्यू का, कि एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी। अब अगर आप ध्यान दो तो अब बिल्कुल इमेजिन करना एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक डब्बा है उसमें 3 सड़े हुए सेब हैं और 7 सही हैं, तुम निकालते हो रखते हो, निकालते हो रखते हो विद रिप्लेसमेंट बोला है, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट यानी कि निकाल रहे हो और रख रहे हो। तो अब देखो तुमने एक बार निकाला तो भाई एक बार निकाला फिर रखा, दो बार फिर दूसरी बार निकाला रखा, तीसरी बार निकाला रखा, तो इन तीनों में क्या क्या हो सकता है भाई। जो सड़ा हुआ एप्पल है भाई, क्या पता वो पहली बार में भी सड़ा हुआ एप्पल आए, क्या पता दूसरी बार में भी आए, क्या पता तीसरी बार में भी आए, क्या पता पहली बार में आए बाकी के दो में ना आए। अब इसमें समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, सड़े हुए सेब, क्या पता एक बार भी ना आए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या पता एक बार आए, क्या पता एक बार आए। अगर आप ध्यान से समझो, मैं अगर यहां पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर आपसे बात करूं, क्या पता तीनों के तीनों फ्रेश आ जाए, क्या पता तीनों के तीनों रॉटन आ जाए, क्या पता फ्रेश आ जाए रॉटन आ जाए, क्या पता रॉटन रॉटन फिर फ्रेश आ जाए,
कुछ भी हो सकता है, वही वही जो प्रोबेबिलिटी है उसी को समझाना है। तो यहां पर जो एक्स है वो क्या मानना है कि भाई क्या पता एक बार भी रॉटन ना आया हो, तो रॉटन नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स कितने हो गए, जीरो। क्या पता एक बार आया हो, क्या पता दो बार आया हो, क्या पता तीनों बार आया हो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात भाई, एक्स की वैल्यू या तो जीरो या तो एक या तो दो या तो तीन। अच्छा अब बोलोगे सर जीरो के लिए क्या लेंगे, तो जीरो के लिए इसका मतलब कि इसका मतलब यह है कि तीनों के तीनों फ्रेश रहे हैं। अच्छा रॉटन एक आया तो क्या करें, तो रॉटन ऐसे आ सकते हैं ना, रॉटन फ्रेश 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 रॉटन फ्रेश, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, फ्रेश फ्रेश रॉटन, यही तो हो सकता है, और क्या हो सकते हैं भाई सोचो। भाई क्या पता तुमने जो सेब निकाला हो पहली बार में फ्रेश आया हो, दूसरी बार में रॉटन आया हो, फिर तीसरी बार में फ्रेश आया हो, क्या पता पहली बार में रॉटन आया हो फिर बाकी भी दोनों फ्रेश आए हो, यही तो मैंने बोला है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दो रॉटन की, तो इसका मतलब क्या है, रॉटन रॉटन फ्रेश, फ्रेश रॉटन रॉटन और रॉटन फ्रेश रॉटन, ये हो गया। और अगर तीनों के तीनों आ गए तो रॉटन रॉटन रॉटन, बस बात खत्म। ये टोटल केसेस बनेंगे, यानी टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, आठ बन रहे हैं। तो जीरो आने की, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, वन बाय एट, इसके आने की प्रोबेबिलिटी थ्री बाय एट, इसके आने की प्रोबेबिलिटी थ्री बाय एट, इसके आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय एट, बस बात खत्म हो गई। अब अगर आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को मीन निकालना है इसका, तो क्या करोगे, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें, इसकी वन की मल्टीप्लाई इसमें, टू की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जो आंसर आया वही आपका क्या हो जाएगा, मीन। दिस इज ऑल योर आंसर, ओके। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो चॉइस वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में, अब उसको देखते हैं। हम लोगों यहाँ पर बोल रखा है कि दो तरीके की शॉप है, एक एक्स शॉप है और एक वाई शॉप है। इसमें क्या है कि दो तरीके के घी मिलते हैं, इसमें क्या है, एक ए टाइप है एक बी टाइप है, और यहाँ पर वो बोल रखे हैं कि ए टाइप के जो टीन है, मतलब ए टाइप के जो टीन है वो 40 दे रखे हैं, और बी टाइप के जो टीन है वो यहाँ पर दे रखे हैं हम लोगों को, ए टाइप के टीन है 30 और बी टाइप के हैं 40, और हम लोगों को यहाँ पर जो वाई शॉप है वहाँ पर भी ए और बी है, बी टाइप के घी हैं, और यहाँ पर बोल रखा है कि जो सिमिलरली यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है 60। अब उन लोगों ने आप लोगों से पूछा है कि वन टीन ऑफ घी इज परचेज फ्रॉम वन ऑफ द रेंडमली सिलेक्टेड शॉप एंड इट इज फाउंड टू बी बी टाइप बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम शॉप वाई, सिंपल बेस थ्योरम। खुद से समझो, सबसे पहले अगर आपको बी टाइप का घी पिक करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा भाई, या तो इसमें से चूज करके फिर इसमें आओगे ना, या फिर इसको चूज करके फिर इसमें आओगे, ऐसे ही तो करोगे। तो जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को ये चीज सिलेक्ट करनी है तो सबसे पहले क्या है, आप मान लो यहाँ खड़े हो, ये एक्स टाइप, ये एक्स शॉप है, ये वाई शॉप है, इन दोनों में से सिलेक्ट करने की दो चीजें हैं, इनको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, इसकी 1/2, इसकी भी कितनी 1/2, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब यहां पर मैं आया, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, अब मुझे इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है ना, तो इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, इसको इसमें से सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 40/70, क्यों, क्योंकि टोटल कितने हैं 70, और तुम्हें क्या करना है, बी सिलेक्ट करना है सिर्फ, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मेरे से बोला जाए कि अगर मैं एक्स को सिलेक्ट करूं और फिर एक्स में से ही बी को सिलेक्ट करूं, अब क्योंकि मुझे दोनों के दोनों काम करने ही करने हैं, कंपल्शन लगी हुई है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 1/2 × 40/70, क्योंकि कंपल्शन लगी हो, चॉइस नहीं है, करना ही करना है। अब यहां पर अगर तुम वाई सिलेक्ट करते फिर वाई के बाद इसको सिलेक्ट करते तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है आपके पास, 60/110, क्योंकि टोटल कितने हैं 110 और तुम्हारे फेवर में कितने 60, तो अगर ये दोनों काम करने होते तो कितना आता, 1/2 × 60/110। अब वो जो आपसे बोल रहा है बिल्कुल कॉमन सेंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, वो आपसे बोल रहा है कि टाइप बी वाला जो घी लिया है और प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो वाई शॉप से लिया हो, तो तुम्हारे लिए फेवर में क्या है, वाई फेवर में है ना तुम्हारे, और अपॉन में क्या लिखते हैं, टोटल केस लिखते हैं, टोटल केस क्या है, या तो ये हो जाता या तो ये हो जाता, जब जहां पर या लग रहा है तो वहां पर क्या बोलोगे, 1/2 × 40/70, या तो ये हो जाता या फिर का मतलब क्या है, प्लस 1/2 × 60/110, ये है हमारे टोटल, कुछ भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहिए क्या, ये तो टोटल है, प्रोबेबिलिटी का ये तो फॉर्मूला होता है, अपॉन में टोटल और ऊपर क्या लिखते हैं, फेवर, तुम्हारे फेवर में क्या है, सिर्फ ये, तो ऊपर क्या लिखोगे, 1/2 × 60/110, इसको सॉल्व कर दो, दिस इज ऑल योर आंसर, ठीक है, सिंपल लॉजिक क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से बोल रखा है, एलपीपी से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप ऑफ नोवेल्टी मेड ऑफ प्लाईवुड। अब आप लोगों से बोल रखा है ए टाइप 5 मिनट ईच फॉर कटिंग और 10 मिनट ईच फॉर असेंबलिंग, ठीक है। अब यहां पर सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को दो टाइप की मशीन दे रखी है, और आप लोगों से यहां पर अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोगों से गिवन दैट टोटल टाइम फॉर कटिंग 3 आवर्स 20 मिनट्स फॉर असेंबलिंग 4 आवर्स द
प्रॉफिट फॉर टाइप ए, टाइप ए के लिए प्रॉफिट है 100 रुपीज और टाइप बी के लिए प्रॉफिट है 120। हाउ मेनी मशीन्स ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज। अब वो बोल रहे हैं मशीन को मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि कितने आप मशीन को, कितनी मशीन्स लगाई जाए जो भी पर्टिकुलर काम किया जा रहा है, अब वहां पर उस चीज, उस पर्टिकुलर चीज को आप लोगों को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ मशीन को मैक्सिमाइज करना है, वहां पर एक्स और वाई की वो वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट आप लोगों को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और सिंपल इक्वेशन बनाने के बाद जिस तरीके का भी ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, जैसा भी ग्राफ बने, आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ कॉमन शेडेड रीजन को बताना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट जो है आपको पिक करने पड़ेंगे, और टेबल बनानी पड़ेगी जो भी पॉइंट से, जो आपकी जेड वाली इक्वेशन बनेगी ax plus by, यानी नंबर ऑफ मशीन वाली, तो वहां से आपको x और y की जगह पर ये जो पॉइंट्स है ये रखने पड़ेंगे, जहां से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32, उसमें हम लोगों को a और b दो एडजेसेंट साइड दे रखी है एक पैरेललोग्राम की, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को एक दे रखा है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है, और ये दे रखा है आपको टू आई प्लस फोर जे माइनस का फाइव के, ये दे रखा है। अब आप लोगों से बोला जा रहा है इसका डायगनल निकालो। डायगनल निकालने का मतलब क्या है भाई, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, इसका डायगनल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, सिंपल ए प्लस बी, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा थ्री आई, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई सिक्स जे, कितना हो जाएगा सिक्स जे, और ये कितना हो जाएगा बाद में माइनस का टू के, आप लोगों के पास ये हो गया, ये हो गया आपका डायगनल। जब जैसे दोनों को प्लस करते हो तो जो डायगनल, जो भी वेक्टर आ रहा है वो हो जाता है आपका डायगनल। अब अगर आप ध्यान से सुना जाए तो अब यहां पर क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर बनाना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, यूनिट वेक्टर बनाओ जो डायगनल के पैरेलल हो। तो डायगनल, तो डायगनल तो ये बन गया इसके पैरेलल, अब यूनिट वेक्टर चाहिए, तब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मतलब इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड करो, यानी कि कितना हो जाएगा 49, क्योंकि ये 9 है ये 4 है, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही सॉल्व किया था, तो कितना हो जाएगा अपॉन में अल्टीमेटली 7, दिस इज ऑल योर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़े तो हम लोगों से बोल रखा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है आप लोगों को, ये एक ट्राइंगल दे रखा है, इसका एक पॉइंट दे रखा है आपको 1 2 3, एक दे रखा है 2 -1 4, एक दे रखा है 4 5 -1। तो क्या करो, ए, अगर ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी वेक्टर निकाल लो और ए सी वेक्टर निकाल लो, और क्या करो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो 1/2 कर दो, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन डी पे आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन डी में हमारे पास जो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस 3 4 4 फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन दिस, मतलब ये एक लाइन है जो 3 -4 -5 से और 2 -3 1 से पास हो रही है, इंटरसेक्ट को प्लेन को, एक प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एक प्लेन है हमारे पास जिसकी इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है 2x + y + z = 7, ये प्लेन की इक्वेशन है, और एक लाइन पास कर रही है इस पे से, एक लाइन पास कर रही है इस पे से जो दो पॉइंट से पास कर रही है, दो पॉइंट कौन कौन से है, वो है आपके पास 3 -4 -5, ठीक है, और आपको दे रखा है 2 -3 1। तो अब एक बात बताओ, दो पॉइंट दे रखे हैं तो लाइन ऑफ, लाइन की इक्वेशन बना लोगे, जैसे ही लाइन की इक्वेशन बनाओगे तो आप क्या करोगे, वहां से जनरल पॉइंट निकाल करके इसमें सेटिस्फाई करवाओगे, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये वाला पॉइंट मिला, आपको डिस्टेंस निकालना है, कहां से आपको डिस्टेंस निकालना है 3 4 4, ये कोई एक पॉइंट कहीं और दे रखा है, तो जैसे ये वाला पॉइंट निकाल, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, लॉजिक यही था इसके पीछे। उसके बाद बात करते हैं 34th पे आ जाते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यार एक बात बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई, जब कभी भी आप लोगों को कभी भी किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, तो उसको सबसे पहला रूल क्या होता है, हर बार बोला है मैंने कि आपको उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, इसी वजह से इन्होंने आपको एक और इक्वेशन दे रखी है xy = c²। तो इस पूरी इक्वेशन को या तो x के टर्म में ले आओ या तो y के टर्म में ले आओ, मैं x के टर्म में लेकर के आ रहा हूं, तो यहां से x की, यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास c²/x, तो अल्टीमेटली y की जगह पे इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, b/c²/x, दिस इज योर इक्वेशन। अब आपको इसको क्या करना है, मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करने का क्या तरीका है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो रखो, x की वैल्यू निकालो, फिर क्या करो, x की जो वैल्यू आ जाए डबल डिफरेंशिएट करो, वहां पर अगर x की गुंजाइश बच रही है तो जो आपने dy ओवर dx को जीरो रख करके जो x की वैल्यू निकाली है उसे वहां पर पुट करो, ये मिनिमम तब होगा जब इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, और डेफिनेटली आ रहा होगा क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोला गया, सिंपल। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों को दे रखा है कि बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, ये एक बार स्टेट लेवल
जेई के क्वेश्चन इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया था, आईपी में आया था शायद से। तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों को दे रखा है कि आप लोगों से बोला गया है कि ए बी सी जो है वो पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म दे रखे हैं किसी भी जीपी की, ठीक है, ये टर्म्स दे रखे हैं। तो ये किसमें आपस में रिस्पेक्टिव ऑफ जीपी, तो अगर ये जीपी में दे रखे हैं तो सिंपल सी बात है बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। और आपको अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इस बात का ध्यान रखें जहां कहीं पर भी बी स्क्वायर बन रहा होगा वहां पर ए सी लिख दें, या फिर जहां कहीं पर भी ए सी आ रहा होगा वहां पर बी का स्क्वायर लिख दें, ठीक है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो क्योंकि आप लोगों को यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो लास्ट साइड में यहां पर आपको थर्ड वाले कॉलम में 111 दे रखा है, जब थर्ड कॉलम में आपको 11 दे रखा है तो दो जगह जीरो बना लो, माइनस कर लो, R1 माइनस R2 कर लो और R2 माइनस R3 कर लो, तो दो जीरो बन जाएंगे, फिर एक जगह वन बचेगा, उसे सिंपली सॉल्व कर दोगे, अल्टीमेटली ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके चॉइस में दिए हुए क्वेश्चन की, तो वहां पर मैं आप लोगों को बता दूं जो ए दे रखा है आप लोगों को उसका इनवर्स पूछा है आप लोगों से और एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, और वैसे भी यार अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते तो ए इनवर्स तो वैसे भी निकालते हैं। सबसे पहला का काम करोगे एक ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे, एक ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद कोफैक्टर्स निकालोगे और फिर उसको ट्रांसपोज करके रखोगे तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल फॉर्मूला, 1/ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, एंड व्हाट इज बी, बी इज 11 माइनस 5 एंड माइनस 3, वहां से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर आगे की तरफ आए 36 में एक क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को AOI यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आपके पास 8.2 स्टार्ट होने से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 या शायद से 5 है, वहां पर आप लोगों को दो सर्कल का जो है कॉम्बिनेशन दे रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से है कि भाई एक सर्कल तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर उसका यहाँ पर है और दूसरा वाला जो है सर्कल वो यहाँ से ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो आपको जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है, बिल्कुल एनसीईआरटी से दिया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट इसमें चॉइस में दिए हुए क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कितना है 1 से लेकर 4 तक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आप नॉर्मली निकाल करके देख लें, नॉर्मली निकाल करके देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा आंसर क्या आना है। दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर वाले को अलग रखो और एक्स वाले को अलग रखो, दोनों को अलग अलग रख करके अगर सॉल्व करोगे तो आई थिंक जल्दी आंसर निकल पाएगा और गलती की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि 6 नंबर में है, हम गलती जल्दी कर देते हैं इसमें, तो लिमिट ऑफ सम में बहुत सारे स्टेप्स लिखने होते हैं, इस वजह से आप लोग इसमें गलती ना करें, इसलिए आप लोग क्या करें इसे अलग अलग करके सॉल्व कर लें। दूसरी बात ये कि ये आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोनों के दोनों ही चॉइस में जो दिए गए हैं। सो ये थे हमारी तरफ से जो पूरा का पूरा जो पेपर का सोल्यूशन था, ये पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन हम लोगों ने आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन थे सब का आप लोगों को ये बता पाएं कि किस तरीके से सॉल्व करना है या फिर किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा या फिर उसमें लॉजिक क्या लगेगा या फिर किस तरीके से आप उसको इजीली कॉमन सेंस लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से सोल्यूशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।